हेलो स्टूडेंट्स, पूरे जोश और ऊर्जा के साथ आप तैयार हो जाएं पॉलीमर के बचे हुए पोर्शन को पढ़ने के लिए। देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ संघनन बहुलक बनाने की विधियों को देखे थे। उसमें खासकर हम पॉलीएस्टर श्रेणी के कुछ बहुलकों को देखे थे जिसमें टेरिलीन और ग्लिप्टल महत्वपूर्ण था। उसको बनाने की विधि, उसके यूजेज को हम लोग कवर किए थे। तो चलिए, आज के लेक्चर में हम लोग पॉलीएमाइड्स कैटेगरी के पॉलीमर को देखते हैं। आपके दिमाग में आता होगा कि सर, ये पॉलीएमाइड कैटेगरी के बहुलक किसको कहेंगे। देखिए, वैसा बहुलक, वैसा पॉलीमर जिसमें मोनोमर्स जो होते हैं वो एमाइड लिंकेज से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? एमाइड लिंकेज से। एमाइड लिंकेज जिसमें पाया जाता हो। और एमाइड लिंकेज कैसे बनाते हैं, याद रहे, एनएच सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी वैकेंट होगा। अर्थात यदि मोनोमर्स कोई, मान लीजिए कि एम ये कोई मोनोमर्स है और ये ऐसे जुड़ गया हो, ऐसे जुड़ गया हो, ऐसे जुड़ गया हो, तो कहेंगे कि इसमें एमाइड लिंकेज है, अर्थात यह पॉलीएमाइड्स कैटेगरी के बहुलक होंगे। अर्थात वैसे पॉलीमर जिसमें एमाइड लिंकेज पाया जाता हो या जिसके मोनोमर एमाइड लिंकेज से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं, उसको हम लोग पॉलीएमाइड कैटेगरी के बहुलक कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसके अंतर्गत हम लोग पहला पढ़ेंगे नाइलॉन सिक्स सिक्स, इसको पढ़ेंगे नाइलॉन सिक्स सिक्स, नाइलॉन छाछ नहीं कहते हैं। एनवाई शब्द न्यूयॉर्क से, एलो एलो एन शब्द लंदन से लिया गया है। और ये छे छे आपको पता है, पहले भी बता चुके हैं, ये सिक्स कार्बन वाले कंपाउंड जो होता है हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन और सिक्स कार्बन वाले कंपाउंड एडीपी के एसिड के संयोग से बनता है। चूंकि छे छे कार्बन वाले कंपाउंड के संयोग से बनता है इसलिए इसका नाम पड़ा नाइलन सिक्स सिक्स। तो चलिए इसको देख लेते हैं बनाने की विधि। हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन, इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ आपको बना देते हैं। देखिए, तो कंडेंस फॉर्म में CH2 का होल सिक्स कर देते हैं, यहाँ NH कर देते हैं, NH कर देते हैं, इसी को कहते हैं बेटा हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन। और इसका आयु पैक नेम कोई पूछे तो क्या होगा, हेक्सेन 1.6 डाइएमीन। कभी कभी कॉमन नेम ने देखे आयु पैक नेम ही देता है, हेक्सेन 1.6 डाइएमीन। और एक लेते हैं एडीपी केसिड, भी आपको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा दिया गया है, ठीक है। हेक्सेन 1.6 डाई ओइक एसिड को हम लोग कहते हैं एडीपी केसिड। देखो तो यही एडीपी केसिड है, इसी को कहते हैं एडीपी एसिड कहते हैं, या इसी का आयु पैक नेम होता है बेटा हेक्सेन 1.6 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड कहते हैं। देखो, चार कार्बन, पांच, छह, छह कार्बन इसमें भी है और छह कार्बन इसमें भी है। अब देखो, इसके हम एन मॉलिक्यूल को ले लेते हैं, इसके एन मॉलिक्यूल को ले लेते हैं और पॉलीमेराइज करा देते हैं। देखो ध्यान से, पॉलीमेराइजेशन की क्रिया करा दिया जाता है। यदि एग्जाम में भूल जाए कि कितना तापमान, कितना सेल्सियस तापमान, कितना दाब, कौन उत्प्रेरक, तो आप केवल पॉलीमेराइजेशन यूज कर सकते हैं। जनरली इसको 525 केल्विन और हाई प्रेशर पे गर्म करते हैं, हाई प्रेशर पे गर्म किया जाता है। आप पॉलीमेराइजेशन लिख दीजिएगा, काम चलेगा। आपको बताए थे कि हमेशा हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन के इस टर्मिनल से एच को हटा दो और इसके इस टर्मिनल से क्या करना है, ओएच को हटाना है। फिर इसके इस टर्मिनल से एच को हटा दो और इसके इस टर्मिनल से ओएच को हटा दो, निकाल दो। क्या निकल रहा है, NH2O बाहर निकल रहा है। कोई किताब इसी को 2NH2O कह रहा है बाहर निकल रहा है, आप NH2O लिख देना कि NH2O बाहर निकल गया। N मॉलिक्यूल नहीं है, NH2O बाहर निकल गया। जैसे जैसे बच गया सटा दो, कुछ करना नहीं है। अब दोनों को अटैच करो, दोनों को अटैच करो, दोनों को अटैच करो, दोनों का मुंह सटा दो, ऐसे देखो सटा रहे हैं या नीचे सटा रहे हैं, थोड़ा सा बिगड़ाना नहीं, थोड़ा सा बिगड़ा। यहाँ NH बचा कि नहीं बेटा, देखो तो NH बचा कि नहीं, यहाँ देखो CH2 का होल सिक्स बचा कि नहीं, बोलो तो बोलो, बोलो CH2 का होल सिक्स बचा कि नहीं, फिर बोलो NH बचा कि नहीं, फिर C डबल बॉन्ड O बचा कि नहीं, यहाँ देखो तो छोटू क्या बचा, यहाँ बचा क्या, CH2 का होल फोर बचा के नहीं, देखते चलो CH2 का होल फोर बचा के नहीं, यहाँ C डबल बॉन्ड O बचा, कार्बन की वैलेंसी खाली का होल एन, इसी को कहते हैं नाइलॉन सिक्स। देख रहे हो यहाँ कि इसमें एमाइड लिंकेज है कि नहीं, यहाँ डॉटेड लाइन से हम बना रहे हैं, NH C डबल बॉन्ड O है, दोनों मोनोमर्स एमाइड लिंकेज से जुड़ा है, इसलिए इसको पॉलीएमाइड्स कैटेगरी के पॉलीमर के नाम से जाना जाता है। कहीं एतराज, अरे बोलो, कोई समस्या है, कोई दिक्कत, तो इसको हम कहेंगे नाइलॉन सिक्स।
कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, कहता है कि नाइलन 6-6 का कॉरेक्ट स्ट्रक्चर है, तो कॉरेक्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दोनों मोनोमर्स को सटा देना है, जल के अणुओं को विलोपित कर देना है, इलिमिनेट कर देना है, जो बाकी चीज बचे उसी को हम लोग नाइलन 6-6 कहेंगे। कंफर्म है यह एक स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, ठीक है, इनके अणुओं के बीच स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स क्रियाशील होता है, ठीक है, वो एच बॉन्ड होता है, इसलिए इसका प्रयोग रोप्स बनाने में, टायर के क्रोड बनाने में, ठीक है, हेवी ड्यूटी टायर के निर्माण में किया। देखिए टायर पे लिखा होता है नाइलॉन टायर, बहुत ही मजबूत टायर बनता है इससे। पैरासूट बनाने में, जहाज से उतरने वाला यंत्र होता है, पैरासूट बनाने में, ड्रेस मटेरियल फैब्रिक्स बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जाल देखते हो, फेंकुआ जाल देखा है गांव देहात में लोग, मछली मारने वाला जाल, वह नाइलन के धागा से बनता है, तो मछली मारने के लिए नाइलन का धागा खरीदते हो, बंसी डाल के मछली मारते हो, अभी नाइलन का धागा होता है, बड़ा ही मजबूत होता है, हाथ में बांध के यदि उसको टाना जाए, खींचा जाए, तो हाँ लगता है कि उंगली कट जाएगा, इतना मजबूत होता है, ठीक है। तो इनका यूज भी याद रखिएगा कि इसका यूज नेट बनाने में, रोप्स बनाने में, ड्रेस मटेरियल, पैरासूट आदि बनाने में किया जाता है। वैसे यूजेस से कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, फटाफट स्क्रीन शॉट लो इसका। आता है अब दूसरा, नाइलन 610, नाइलन 610 ध्यान दीजिएगा, नाइलन 610। देखिए इसके नाम से स्पष्ट है कि इसके एक मोनोमर में 6 कार्बन होगा और दूसरे मोनोमर में 10 कार्बन होगा, तो एक तो वही होता है हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, और दूसरा होता है सिबेसिक एसिड। सिबेसिक एसिड का फॉर्मूला आपको बता है, देखिए यहां क्या कर रहे हैं हम, यहां कर देते हैं एट और यहां कर देते हैं सी डबल बॉन्ड OH, इसी को कहते हैं सिबेसिक एसिड। सिबेसिक एसिड या इसी का आयु पैटर्न होता है डेकेन 1, डेकेन 1,10 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। इसका हम पॉलीमेराइजेशन कर देते हैं, देखो पॉलीमेराइजेशन हम कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है, हाई टेम्परेचर प्रेशर पर इसको गर्म कर दो, देखो NH2 निकल जाएगा, इसके इस टर्मिनल से H और इसके इस टर्मिनल से OH को निकाल दो और इसके OH को निकाल दो, NH2 निकल गया, बचा क्या, देखो NH बचा मैंने लिख दिया, CH2 का होल 6 बचा लिख दिया, यहां NH बचा तो यहां देखो NH मैंने लिख दिया है कंडेंस फॉर्म में, C डबल बॉन्ड O बचा तो C डबल बॉन्ड O बचा, उसके बाद CH2 का होल 8 बचा तो यहां क्या कर देते हैं, ध्यान दो CH2 का होल 8 कर देते हैं और C डबल बॉन्ड O का होल N कर देते हैं, इसी को कहेंगे हम नाइलन 610, नाइलन 610। देख रहे हैं कि इसमें भी एमाइड लिंकेज है, कह सकते हैं कि यह पॉलीएमाइड कैटेगरी का पॉलीमर है। इसका भी प्रयोग हेवी ड्यूटी टायर, पैरासूट, रोप्स आदि बनाने में किया जाता है, तो इसके मोनोमर से याद रखना तुम, ठीक है। कभी कभी सिर्फ बेसिक एसिड के जगह पर ध्यान दीजिएगा, कोई पुस्तक या ऑप्शन में बदल देता है, इसके जगह पर ऐसे दे देगा CH2 का होल ए सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, यहां दे देगा सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, याद रखिएगा, इसको कहेंगे डीकेन 1,10 डाइवायल क्लोराइड, डाइवायल क्लोराइड एसिड क्लोराइड है, तो इससे HCl के मॉलिक्यूल इलिमिनेट हो जाते हैं। तो यह इंडस्ट्री या उस कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि वह बेसिक एसिड यूज कर रहा है या डीकेन 1,10 डाइवायल क्लोराइड का प्रयोग कर रहा है, एसिड क्लोराइड है, लेकिन मोस्टली बेसिक एसिड का ही प्रयोग किया जाता है। यदि कभी कभी ऑप्शन में बेसिक एसिड ना दे तो डीकेन 1,10 डीकेन 1,10 डाइवायल क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है इसके स्थान पर। तो ये पूछ दे तो घबराइएगा नहीं, इसे नोट करें फटाफट, स्क्रीन शॉट लो। आइए हम लोग तीसरे महत्वपूर्ण नाइलॉन को देखते हैं, इसको हम लोग केवल नाइलॉन 6 के नाम से जानते हैं, यह बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसी को परलॉन कहते हैं, याद रखिएगा नाइलॉन 6 को ही परलॉन कहा जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यह एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम का संघनन बहुलक होता है, याद रखिएगा संघनन, संघनन बहुलक होता है, बहुलक होता है। कई बार पूछा गया है कि बताइए नाइलन 6 के मोनोमर्स का नाम बताइए, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, और आपको हम लैक्टम पढ़ा चुके हैं, साइक्लिक एमाइड को लैक्टम कहा जाता है, और ये बनता कैसे आपको बताएं, हमें जहां लैक्टम पढ़ाएंगे नोमेनक्लेचर में कि एमिनो एसिड, एमिनो एसिड से जब जल के अणु निकलते हैं
तो लैक्टम का निर्माण होता है। एमिनो एसिड से जो भी जल कणों निकलते हैं साइक्लिक फॉर्म का साइक्लिक फॉर्म का निर्माण करता है। किसी भी चीज से जल निकलेगा तो वह सिकुड़ेगा, साइक्लिक फॉर्म का निर्माण करता है, और उसी को हम लोग क्या कहते थे, लैक्टम। तो साइक्लिक एमाइड को लैक्टम कहा जाता है। इसके नाम कैसे दिया जाता है और तमाम चीज की जानकारी हम नोमेनक्लेचर में करा चुके हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम बनाते कैसे हैं, साइक्लिक एमाइड है, सी डबल बॉन्ड ओ, यही है हमारा एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। देखिए इसका नाम कैसे देते हैं, जिस एमिनो एसिड से बना होता है उस एमिनो एसिड का नाम लिख देते हैं और उसमें लैक्टम शब्द जोड़ते हैं। कोई पूछे कि इसका आयु पैक नेम बताओ, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, इसका नाम हुआ सिक्स एमिनो हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड लैक्टम, हेक्सेनोइक एसिड लैक्टम है। या इसी का कॉमन नेम हम ऐसे लिख सकते हैं एक तरीका, या अल्फा कर दो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन, या एप्सिलॉन। और जितने कार्बन वाले यह एसिड से बना होता है उस एसिड का कॉमन नेम हमको लिखना है। हेक्सेनोइक एसिड का नाम होता है कैप्रोइक एसिड, CFP, कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड। तो आपको बताए थे कि इक एसिड को हटाकर हमको जोड़ना है ओ लैक्टम, तो इक एसिड को हटा दिए हम और जोड़ देते हैं कैप्रो, CAP, CAPRO, कैप्रो, LACTM, कैप्रो लैक्टम। तो इसका नाम बन गया एप्सिलॉन कैप्रो लैक्टम, एप्सिलॉन कैप्रो लैक्टम। इसका मॉडर्न आयुपैक नेम भी हम लिख सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसका नाम होगा टू एजा साइक्लोहेप्टेनॉन, साइक्लोहेप्टेनॉन हो जाएगा। तो नोमेनक्लेचर हम पढ़ा चुके हैं, अब ध्यान दीजिएगा, ये कंपाउंड है जिसको लैक्टम कहते हैं, इसी का यह बहुलक होता है। अब ये बनता कैसे है, अब देखिए, यह सिक्स एमिनो हेक्सेनोइक एसिड से बना है, सिक्स एमिनो हेक्सेनोइक एसिड से जल के अणु निकले हैं तो यह बना है। अब इसमें हम जल के अणु को जोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां जल को जोड़ रहे हैं और लगभग इसको 533 से 543 केल्विन पे गर्म करते हैं जल के साथ। अब देखो क्या हुआ, जल के साथ इसको गर्म कर रहे हैं तो एक एच यहाँ चला गया और ओ एच यहाँ चला गया, वो टूट रहा है कैसे, यहाँ देखो यहाँ आ गया NH2, यहाँ देखो क्या बचा, CH2, 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 एक दो तीन चार पांच, यहाँ 5 CH2 कर दें, CH2 का होल 5, सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसी का नाम हुआ सिक्स एमिनो हेक्सेनोइक एसिड, सिक्स एमिनो हेक्सेनोइक एसिड बन गया। देखो इससे पानी निकलता है तो लैक्टम बनता है और इसमें पुनः पानी जोड़ दिए तो वही चीज बन गया जिससे बना, देखो सिक्स एमिनो हेक्सेनोइक एसिड लैक्टम है और यह पुनः बन गया सिक्स एमिनो हेक्सेनोइक एसिड लैक्टम। और इसके बहुत सारे अणु पॉलीमेराइज हो जाते हैं, देखो यहां हम पॉलीमेराइज करा देते हैं, पॉलीमेराइजेशन, पॉलीमेराइजेशन की क्रिया होती है। देखो इस टर्मिनल से एच को हटा दो और इस टर्मिनल से OH को हटा दो, देखो क्या बच गया, यहाँ NH बच गया, यहाँ CH2 का होल 5 बच गया। आप CH2 ओपन करके भी लिख सकते हो, यहाँ C डबल बॉन्ड O बच गया का होल N कर दो, इसी को हम लोग कहते हैं नाइलॉन 6, या एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम का बहुलक होता है, या ना दे तो नाम दे देगा सिक्स एमिनो हेक्सेनोइक एसिड का लैक्टम होता है। कभी कभी ऑप्शन में सिक्स एमिनो हेक्सेनोइक एसिड भी दे देता है कि यह सिक्स एमिनो हेक्सेनोइक एसिड का पॉलीमर होता है, याद रखिएगा। इसका भी यूज पहाड़ों पर चढ़ने वाला रस्सी रस्सी टायर क्रोड्स ETC बनाने में किया जाता है। तो आप इसे नोट कर लें फटाफट। तो चलिए
एक और बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोग पॉलीएमाइड्स कैटेगरी के बहुलक को देखते हैं, इसको हम लोग केवलर के नाम से जानते हैं। यह बड़ा ही एक्सपेंसिव होता है और स्ट्रॉन्ग होने के कारण इसका प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट या बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि बुलेट प्रूफ ड्रेस पहने हैं। गोली मारने पर भी गोली का इस पर गोली का कोई असर नहीं होता है। तो वीआईपी पर्सन को या फिर सेना को जवानों को दिया जाता है युद्ध में, ताकि कोई हताहत नहीं हो। ध्यान दीजिएगा, यह किसका पॉलीमर होता है, इसके मोनोमर्स के नाम पूछे जाते हैं। तो यह टर्थैलिक एसिड बेंजीन 1.4 डाई कार्बोक्साइलिक एसिड और 1.4 डाई एमिनो बेंजीन का संघनन बहुलक होता है। यह टर्थैलिक एसिड के जगह पर कभी कभी यह टर्थैलोइल क्लोराइड देता है, जिसको हम लोग इसका आयु पैटर्न बेंजीन 1.4 डाईवाइल क्लोराइड होता है। इसको भी और इसको मिला देंगे तब भी यह हमारा बन जाएगा। देखिए इसको बनाते कैसे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा गया है कि बताओ बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने में किस पॉलीमर का प्रयोग होता है, केवलर का। देखिए यही बेंजीन 1.4 डाई एमिनो बेंजीन है, 1.4 डाई एमिनो बेंजीन का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। इसका दूसरा भी आयु पैक आप नेम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग कहेंगे 1.4 डाई एमिनो बेंजीन। डाई एमिनो बेंजीन है, इसी को बेंजीन 1.4 डाई एमीन भी कह सकते हैं, बेंजीन 1.4 डाई एमीन। इसके हम एन अणु को ले लेते हैं और यहां थैलिक एसिड लेते हैं। थैलिक एसिड सबको पता है, बेंजीन 1.4 सॉरी टर्थैलिक एसिड, टर्थैलिक एसिड है बेंजीन 1.4 डाई कार्बोक्साइलिक एसिड, इसी को हम लोग कहते हैं टर्थैलिक एसिड, या इसका आयु पैक नेम लिखना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी को हम लोग कहते हैं क्या बेटा, बेंजीन 1.4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, इसके स्थान पे यदि आप ये यूज कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल और सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, इसके हम एन अणु को ले लें तब भी अभिक्रिया हो जाएगी तो HCl निकलेगा, ठीक है। और ये लेंगे तो जल का अणु विलोपित होगा। यहां हम पॉलीमेराइजेशन कर देते हैं, पॉलीमेराइजेशन। यदि ये लेंगे कोई अंतर नहीं होगा इसके स्ट्रक्चर पे, यह निर्भर करता है कि कंपनी कैसे मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। आप बेंजीन 1.4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रयोग करती है या बेंजीन 1.4 डाइवायल क्लोराइड का प्रयोग करती है। अब देखो क्या करेंगे, इस टर्मिनल से H को हटाना है, आपको बता चुके हैं, और इसके OH पार्ट को हटाना है, इसके H पार्ट को और इसके OH पार्ट को हटाना है। ऐसे ही करते तो क्या होता है, इसके H पार्ट को और इसके Cl पार्ट को हटाते, HCl निकल जाता, ठीक है। अब देखो क्या कर देते, और इसके H पार्ट को हटा देते और इसके Cl पार्ट को हटा, HCl निकल जाता, और इसके H पार्ट को इसके Cl पार्ट को, तो HCl निकल जाता। तो NH2O या NHCl, H2O निकाल दो, और यदि आप ये लेता तो क्या निकल जाता बेटा, NHCl निकल जाता, NHCl निकल जाता। देख रहे हैं HCl निकल गया। अब देखो जो बचा उसको जोड़ दो, देखो यहाँ क्या बच रहा है, यही जोड़ रहे हैं, जगह यहाँ स्पेस नहीं है। देखो यहाँ बचा NH, फिर बचा बेंजीन रिंग बना दिए, फिर बचा NH, देख रहे NH बचा, फिर देखो क्या बचा, C डबल बॉन्ड होते, यहां भी बचा C डबल बॉन्ड, कोई ले लो कोई दिक्कत नहीं है, C डबल बॉन्ड O। यहां देखो फिर क्या बचा, बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग बना दो। अब देखो क्या बचा, यहां क्या बचा, C डबल बॉन्ड O, तो यहां C डबल बॉन्ड O कर देते हैं। फिर यहां भी क्या बचा, C डबल बॉन्ड O का होल होल N, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केवलर के नाम से जानते हैं। देखो ये भी, इसमें भी एमाइड लिंकेज पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग पॉली एमाइड कैटेगरी के पॉलीमर के नाम से जानते हैं। किसी को एतराज, आप ये लो या ये लो, तुम्हारी मर्जी। तो कभी कभी क्या देता है, टर्थैलिक एसिड ना देकर टर्थैलोइल क्लोराइड दे दे, इसका आयु पैटर्न क्या होगा, बेंजीन 1.4 डाईवाइल क्लोराइड, क्लियर है। तो इसके स्थान पे ये देता है, कभी कभी ऑप्शन में तो बहुत छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सारे कंसेप्ट को समझते चलो, नोट करो, हम लोग बैकेलाइट और मेलामाइन को बनाने की विधियों को देखेंगे और चर्चा करेंगे। आइए हम लोग तीसरे कैटेगरी के पॉलीमर का अध्ययन करेंगे, जिसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड रेजिन कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सर फॉर्मल्डिहाइड रेजिन कैटेगरी में कौन कौन बहुलक होते हैं, तो देखिए वैसे पॉलीमर जो फॉर्मल डिहाइड से
बना हो और अदर कंपाउंड से कोई इसके साथ अन्य कंपाउंड होना चाहिए, अदर COMPOUND अदर कंपाउंड। यदि कोई पॉलीमर का एक मोनोमर हमारा फॉर्मल्डिहाइड हो और दूसरा मोनोमर यदि कोई अन्य यौगिक हो उसके संयोग से कोई पॉलीमर बनता हो तो उसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड रेजिन के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत पहला हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, इसको हम लोग कहते हैं यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, UFR, UFR। तो ये स्पष्ट ही है कि यह यूरिया से का और फॉर्मल्डिहाइड का यह संघनन बहुलक होगा, संघनन बहुलक होगा। इससे हम लोग अनब्रेकेबल कप प्लेट, न टूटने वाला बर्तन और लेमिनेटेड सीट बनाते हैं। कहां इसका यूज करते हैं? इसका प्रयोग याद रखिएगा, इसका प्रयोग अनब्रेकेबल अनब्रेकेबल कप प्लेट, क्या बनाने में बेटा, कप प्लेट, कप प्लेट तथा लेमिनेटेड सीट, लेमिनेटेड सीट बनाने में, लेमिनेटेड सीट बनाने में किया जाता है, लेमिनेटेड सीट बनाने में किया जाता है। तो नाम से ही स्पष्ट है कि इसके मोनोमर्स कौन होंगे, एक यूरिया होगा, दूसरा फॉर्मल्डिहाइड होगा। तो यूरिया का तो नाम सब लोग जानते ही हैं भाई, यहां देखिए तो NH C डबल बॉन्ड O NH2, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, इसी को यूरिया कहते हैं। इसी का IUPAC नेम आप जानते हैं, डाई एमिनो मीथेनॉन, क्या होगा, डाई एमिनो मीथेनॉन, डाई एमिनो मीथेनॉन कह सकते हो, या दो एमीन ग्रुप है तो डाई एमिनो एक कार्बन वाले कीटोन का नाम मीथेनॉन, या एक लड़का बोला कि सर यह एक एमाइड ग्रुप मान लिया जाए और यह एमीन ग्रुप मान लिया जाए तो यह हमारा ग्रुप का काम करेगा, एमाइड सीनियर ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा एमिनो, एमिनो मीथेनामाइड, एमिनो मीथेनामाइड, एमिनो मीथेनामाइड। यूरिया को हम लोग डाई एमिनो मीथेनॉन या एमिनो मीथेनामाइड के नाम से जानते हैं। इसका IUPAC नेम है, IUPAC नेम है, याद रखिएगा। इसको कार्बामाइड के नाम से भी जाना जाता है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको ओहलर साहब ने सबसे पहले लेबोरेटरी में बना दिया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। इसके हम एन अणु को ले लेते हैं और यहाँ फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसी को हम लोग कहते हैं फॉर्मल डिहाइड, फॉर्मल डिहाइड। इसी का IUPAC नेम जानते हो क्या होता है, मीथेनल होता है, मीथेनल होता है। हर कंपाउंड के, हर कैटेगरी के कंपाउंड के फर्स्ट मेंबर और सेकंड मेंबर का नाम कॉमन नेम याद होना चाहिए आपको। देखो इसके हम एन अणु को ले लेते हैं और क्या करते हैं, पॉलीमेराइज करा देते हैं, पॉलीमेराइजेशन करते हैं। पॉलीमेराइजेशन का मतलब होता है बहुलीकरण की क्रिया। ध्यान दो अब क्या होगा, इसके एच पार्ट को निकाल दो इस टर्मिनल से, इस टर्मिनल से एच पार्ट को निकाल दो और इसके ओ एच पार्ट को, ओ को निकाल दो ऐसे। देखो तो क्या निकाल गया, एन एच टू ओ निकाल दो, एन एच टू ओ जैसे बच गया उसको सटाओ। देखो यहाँ क्या बच गया बेटा, एन एच बचा, यहाँ देखो तो सी डबल बॉन्ड ओ बचा, फिर यहाँ देखो एन एच बचा, एन एच बचा, अब देखो यहाँ क्या बचा, सी एच टू बचा, तो यहाँ लिख देंगे सी एच टू का होल एन, होल एन, इसी को बन गया यूरिया फॉर्मल डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मल डिहाइड रेजिन। इसे नोट करें, यूरिया फॉर्मल डिहाइड रेजिन। अब हम आपको बताने जा रहे हैं नोवोलेक और बैकेलाइट कैसे बनता है, नोवोलेक और बैकेलाइट कैसे बनता है। फटाफट स्क्रीन शॉट लो, आइए हम लोग देखते हैं नोवोलेक के बारे में, नोवोलेक के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। नोवोलेक यह एक फॉर्मल्डिहाइड रेजिन कैटेगरी का ही पॉलीमर है। इसका मतलब हो गया कि यह फॉर्मल्डिहाइड से बना होगा, इसके अलावा कोई और यौगिक से बना होगा। तो पहला बात याद रखिएगा, यह बनता है फॉर्मल्डिहाइड प्लस, फॉर्मल्डिहाइड प्लस फिनॉल से, फॉर्मल्डिहाइड प्लस फिनॉल से ही यह बनता है। कभी कभी पूछता है कि नोवोलेक का मोनोमर्स होता है तो यह फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल का लीनियर पॉलीमर होता है, और बैकेलाइट भी बनता है फॉर्मल्डिहाइड प्लस फिनॉल से, लेकिन वह फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल का क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है। तो चलिए पहले आगे हम लोग देखते हैं कि फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन करके पहले क्या बनाते हैं, ध्यान से समझते चलिएगा। यही हमारा फिनॉल है बेटा, यही फिनॉल है,
सब लोग जानते हैं, यही इसी को कार्बोलिक एसिड के नाम से जानते हैं, और ये फॉर्मल डिहाइड है। कॉमन नेम इसका फॉर्मल डिहाइड होता है, फॉर्मल डिहाइड है, फॉर्मल डिहाइड है। और देखो या H प्लस या OH अम्ल या क्षार के उपस्थिति में यह रिजेक्शन करके अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल या पारा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का निर्माण करते हैं। या अर्थो पारा डायरेक्टिंग है, इसको एक बार अर्थो पर या एक बार पारा पर जोड़ता है। आपको बताया जा चुका होगा, एम इफेक्ट पढ़ाए होंगे क्लासरूम में, कि अर्थो पारा डायरेक्टिंग कौन है। यह फॉर्मल डिहाइड को यहाँ जोड़ रहा है, देखो यहाँ एच छुपा हुआ है तो सी एच टू ओ एच यहाँ जुड़ जाएगा। देखो तो एक बार यहाँ जुड़ जाएगा अर्थो पोजिशन पे ओ एच, यहाँ जुड़ गया सी एच टू ओ एच, यहाँ देखो यह तो सी एच टू हो रहा है, यहाँ एच ओ ओ तो सी एच टू ओ एच बचा। यहाँ देखो क्या बन गया बेटा, यहाँ ध्यान देना, ध्यान दो पूरा, यहाँ ध्यान दो, सी एच टू ओ एच है। इसको हम लोग कहेंगे इसका कॉमन नेम अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, या अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल है, या पारा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल है। आप इसका नाम दूसरे ढंग से भी दे सकते हैं, इसका आयुपैक नेम भी दे सकते हैं। इसका नाम होगा अर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल, या कहेंगे 2-hydroxymethylphenol, O के जगह पर 2 कर दें, 2-hydroxymethylphenol, तो आयुपैक नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार इसका नाम क्या हो जाएगा, 4-hydroxymethylphenol, लेकिन इसका प्रचलित नाम है हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और पारा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, इसका नाम अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। अब देखो ये अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और ये पारा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, यदि दोनों ये कंपाउंड, ये दोनों मोनोमर्स यदि आपस में सट जाए तो एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनता है जिसका नाम है बैकेलाइट। और केवल अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल के बहुत सारे अणु लीनियर चेन में जुड़ जाए तो बनता है नोवोलक, याद रखना। तो नोवोलक का है तो वह अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का संघनन बहुलक होगा, बैकेलाइट का है तो अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और पारा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है। यह दोनों सटेगा तो बैकेलाइट, और इसी के बहुत सारे अणु लीनियर चेन में सट जाएंगे तो क्या बनेगा, नोवोलक बनेगा। तो याद रखना नोवोलक के मोनोमर्स दे दे ऑप्शन में फॉर्मल्डिहाइड प्लस फिनोल, बिल्कुल सही होगा। बैकेलाइट के मोनोमर्स दे दे फॉर्मल्डिहाइड प्लस फिनोल, बिल्कुल सही होगा। यदि ये न दे और पूछे कि नोवोलक का बताओ किसका बहुलक होता है, अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का लीनियर संघनन बहुलक होता है, लीनियर चेन में जुड़े होते हैं तो इसको लीनियर नाम दे रहे हैं, लीनियर होता है और यह संघनन बहुलक होता है। बैकेलाइट क्या होता है, यह दोनों का अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और पारा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का संघनन बहुलक होता है और इसमें क्रॉस लिंक स्थापित हो जाता है, याद रखिएगा। नोवोलक जो होता है, नोवोलक को यदि फॉर्मल्डिहाइड से भी रिजेक्शन करा दे तो बैकेलाइट बन जाता है। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक लाइन में यहां पहले लिख देता हूं कि नोवोलक अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का लीनियर पॉलीमर होता है जिसका प्रयोग पेंट बनाने में किया जाता है। बेटा देख लो कैसे, अब कैसे सटाएंगे, यही हमारा अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल है, यहाँ ध्यान दो OH है, यहाँ CH2 है, यहाँ OH है, इसी का नाम है अर्थो, और यहाँ H छुपा है सबको पता, N मॉलिक्यूल ले लेते हैं, इसी का नाम है अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, यहाँ ध्यान दो, और इसको हम पॉलीमेराइज करा देते हैं। क्या करा रहे हैं बेटा, पॉलीमेराइजेशन। देखो इसके इस टर्मिनल OH हटा दो, इसके इस टर्मिनल से H हटा दो, यहाँ देखो तो क्या निकल गया, NH2O को बाहर कर दो और देखो जो बच रहा है उसको लीनियर चेन में जोड़ दो। यहाँ बेंजीन रिंग बचा, यहाँ CH2 बचा, यहाँ OH बचा, ऐसे ही एक और जोड़ दो, एक ऐसे ही और जोड़ दो, OH जोड़ दो, यहाँ देखो CH2 जोड़ दो, होल एन कर दो। इसी को हम लोग कहते हैं नोवोलक कहते हैं। और इस नोवोलक को यदि हम फॉर्मल डिहाइड के साथ पुनः
अभिक्रिया करा दें तो भी बैकेलाइट बन जाता है। तो ऑप्शन में दे दे कि बैकेलाइट बनता है नोवोलेक प्लस फॉर्मल्डिहाइड, ये भी ऑप्शन सही है। बैकेलाइट बनता है फॉर्मल्डिहाइड प्लस फिनोल, ये भी ऑप्शन सही है। बैकेलाइट बनता है अर्थोहाइड्रोक्सीबेंजाइल अल्कोहल और पैराहाइड्रोक्सीबेंजाइल अल्कोहल, ये भी सही है। तीनों ऑप्शन दे सकता है, क्लियर है। तो पहले आप नोवोलेक लिखिए, अब बैकेलाइट का मैं चर्चा कर रहा हूं। ये जानकारी के लिए मैं आपको बताया हूं कि फिनॉल जब फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तो अर्थोहाइड्रोक्सीबेंजाइल अल्कोहल या और पैराहाइड्रोक्सीबेंजाइल अल्कोहल बनाता है, और इसी के संयोग से नोवोलेक या बैकेलाइट हम बना सकते हैं। यह दोनों सकेगा तो बैकेलाइट, इसी के अणु बहुत सारे सकेंगे तो नोवोलेक का निर्माण होता है। नोवोलेक का प्रयोग कहां बनाने में हम लोग करते हैं, पेंट बनाने में, याद रखिएगा, नोट करें। तो आइए हम लोग बैकेलाइट के बारे में कुछ समझ लें। पहले देखिए, बैकेलाइट को हम लोग फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन के नाम से जानते हैं। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन भी कहा जाता है। इसको हम लोग मेटेरियल्स ऑफ थाउजेंड यूजेज के नाम से भी जानते हैं। चूंकि बैकेलाइट का प्रयोग बहुत सारे चीजों में बनाने में किया जाता है, इसलिए इसको मेटेरियल्स ऑफ थाउजेंड यूजेज भी कहा जाता है। तो प्रश्न पूछे कि बैकेलाइट्स के मोनोमर्स का नाम आप बताओ। तो पहला आपको बताए थे कि यह फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक होता है। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड न दे तो यह अर्थोहाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और पैराहाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का संघनन बहुलक होता है। ऑप्शन ई दे तो टिक लगाना है। और नोवोलेक अभी पढ़े थे, यह एक लीनियर पॉलीमर होता है। नोवोलेक को यदि हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ गर्म कर दें तो भी बैकेलाइट का निर्माण होता है। ठीक है, बैकेलाइट का बहुत सारा प्रयोग होता है। सक का बटन देखते हैं, कोट का बटन देखते हैं, इतना चमकीला मजबूत और सुंदर बटन होता है। तो शर्ट का बटन जितने भी होते हैं इसी से बनाया जाता है। कीमती बटन, बेहतरीन चमकीला बटन इसी से बनाया जाता है। कंघी, सर में लगाने वाले जो कंघी होता है, कॉम इसी से बनाया जाता है। इलेक्ट्रिकल स्विच इसी से बनाया जाता है। क्लॉक, घड़ी जो देखते हैं कि प्लास्टिक की घड़ी आती है, उसका जो बॉडी होता है इसी से बनाया जाता है। जितने भी कलम, फाउंटेन पेन का बैरल्स, जितने भी कलम की बॉडी जो होता है बैकेलाइट से बनता है। बैकेलाइट की ज्वेलरी भी बनाई जाती है, इससे बैंगल्स बनाया जाता है, हाथ में पहनने वाला बाला जिसको कहते हैं, इयररिंग बनाया जाता है, कान में पहनने वाला, देखिएगा सुंदर सुंदर प्लास्टिक टाइप का बना होता है चमकीला, तो इससे हम लोग ज्वेलरी भी बना देते हैं, बैंगल्स इयररिंग बनाते हैं, कान में पहनने वाला, हाथ में पहनने वाला। इसका प्रयोग हम लोग फोनोग्राफ रिकॉर्ड, ठीक है, कंप्यूटर डिस्क, याद रखिएगा, इसका प्रयोग हम लोग COMPUTER कंप्यूटर डिस्क, सीडी का डिस्क है, फोनोग्राफ रिकॉर्ड है, ठीक है, बनाने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका बहुत सारा प्रयोग है दैनिक जीवन में, याद रखिएगा, इसलिए इसको हम लोग मेटेरियल ऑफ थाउजेंड यूजेज के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए कि बैकेलाइट का स्ट्रक्चर से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि बैकेलाइट के स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। तो यूजेज आप लिखिए, कंघी बनाने में, बटन बनाने में, बर्तन का हैंडल बनाने में, फोनोग्राफ रिकॉर्ड, कंप्यूटर डिस्क बनाने में, फाउंटेन पेन कलम का बॉडी बनाने में, इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में, इस सब में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है बैकेलाइट का, इस पर ध्यान दीजिएगा, और इससे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, इसको ध्यान में रख के उत्तर दीजिएगा कि कैसे हम बैकेलाइट को बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बैकेलाइट्स को हम लोग फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन के नाम से भी जानते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए यह अर्थोहाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और पैराहाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल को सटा देने से बनेगा। देखिए इसके हम एन अणु ले लेते हैं छोटू, और यहाँ पारा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल ले लिए, यहाँ अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी एच छुपा है, यहाँ भी एच छुपा है, यह पारा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल है। क्या बेटा? बेंजाइल अल्कोहल है, और ये क्या है हमारा? अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल। ध्यान दीजिएगा, इसको हम पॉलीमेराइज करते हैं, पॉलीमेराइजेशन की क्रिया करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके भी एन अणु लेते हैं, देखो क्या होता है, यह OH और यह OH, H2O निकल जाता है और यह H2O निकल जाता है, मतलब NH2O निकलता है। और देखिए इसके इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इस पर ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, या नहीं तो आपको क्या करना है,
नोवोलेंट का स्ट्रक्चर सबको पता है, अभी बताया है, जस्ट OH है, CH2 है, OH है और CH2 है होल एंड, इसको फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ H छुपा है सबको पता है, फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं, इसके भी N अणु ले लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड प्लस नोवोलेंट, इन दोनों को भी हम क्या कर देते हैं, पॉलीमेराइज कर देते हैं, पॉलीमेराइजेशन की क्रिया कर देते हैं। देखो क्या होगा, यह हमारा O O और यह हमारा H निकल जाता है, H2O निकल जाता है, माइनस एन H2O निकल गया। अब देखो सत्य कैसे है, देखो टेक्निक याद है, जैसे नोवोलेंक बनाए हो वैसे तुमको बना देना है, वैसे ही स्ट्रक्चर बनाओ। देखो कैसे बना रहे हैं, देखो तो रिंग है, OH है और यह CH2 से अटैच है या CO2 से अटैच है, CO2 से सिंपल स्ट्रक्चर बनाना सीखना है या CH2 से अटैच है, ऐसे जुड़ता रहेगा। अब क्या करोगे, अब देखो यह हमारा CH2 यह आ जाएगा CH2, यहां देखो यह CH2 बचा, तो इसको CH2 से अटैच करना है, इसको CH2 से अटैच करना है और इसी रिंग को पुनः उलट के जोड़ देना है। टेक्निक याद रखना, ऐसे अब जुड़ेगा, देखो अब देखो यहाँ OH, अब देखो यहाँ हमारा क्या हो गया OH और ये जुड़ेगा किससे, CH2 से, और देखो यहाँ क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा, यहाँ खाली वैलेंसी का होल एन कर दो, होल एन कर दो, इसी को बैक लाइट कहते हैं, बैक लाइट कहते हैं, देख रहे हो NH2 जुड़ेगा और यह CH2 से लिंक होगा, पुनः ऐसा ही क्रॉस लिंक के रूप में जुड़ने लगते हैं इसके बहुत सारे अणु, तो बन जाता है बैकेलाइट, एक प्रकार के सॉलिड मास बनता है बैकेलाइट। एक प्रश्न पूछा जाता है कि बैकेलाइट के स्ट्रक्चर में जो रिंग होते हैं यह किससे जुड़े होते हैं ब्लैक, तो यहां नोट में एक बात याद रख कर लीजिएगा कि बैकेलाइट में रिंग जो होते हैं, रिंग जिसको ब्लैक कहते हैं, ब्लैक CH2 से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका, तो इसका स्ट्रक्चर कई बार बना के अभ्यास कीजिएगा ताकि आपको याद रहे, और इससे कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि बैकेलाइट के मोनोमर्स कौन होते हैं, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन में दे तो उसको टिक लगाना है, नहीं दे तो अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और पारा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल देगा, या याद रखेगा कि नोवोलेंक को फॉर्मल्डिहाइड के साथ भी पॉलीमराइजेशन की क्रिया कर दें या गर्म कर दें तो भी हमारा बैकेलाइट बन जाता है। इसका प्रयोग बहुत ज्यादा हमारे दैनिक जीवन में है, नोट करें, मेलामाइन बता रहे हैं। आइए हम लोग मेलामाइन को देखते हैं, इसको मेल मैक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। देखिएगा इससे नॉट टूटने वाला कप प्लेट बनाते हैं, गांव में आपके देखिएगा कप प्लेट बेचने वाला जाता है, कप प्लेट को पटक कैसे दिखाता है कि देख भाई टूट नहीं रहा है, प्लेट को जमीन पे फेंक देता है, कप प्लेट को जमीन पे फेंक देता है, टूटता नहीं है, तो उस पर मेलामाइन का जो होता है लेयर चढ़ाया रहता है, याद रखिएगा। जितने भी अच्छे क्वालिटी का कप प्लेट होगा उस पर अच्छी क्वालिटी का मेलामाइन, मेलामाइन का लेप रहता है जिससे कप प्लेट नहीं टूटता है। तो पहला इससे प्रश्न पूछा जाता है कि न टूटने वाला क्रॉकरी या न टूटने वाला कप प्लेट किस पॉलीमर से बनाया जाता है, उसका नाम है मेलामाइन। क्लियर है? अब मेलामाइन बनता कैसे, मेलामाइन तो मेलामाइन जो होता है, मेलामाइन कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है और यह फॉर्मल्डिहाइड का संघनन बहुलक होता है। ठीक है, ये दोनों आपस में जब जुड़ते हैं तो यह मेलामाइन नामक पॉलीमर बनता है। तो इस कैसे मेलामाइन के स्ट्रक्चर याद रखेंगे हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान दीजिए, बेंजीन की संरचना सबको याद है, वैसे ही याद रखना है कि बेंजीन रिंग में जैसे 6 कार्बन होता है वैसे ही इसमें 3 नाइट्रोजन और 3 कार्बन होता है। तो एक नाइट्रोजन एटम, एक कार्बन, एक नाइट्रोजन, एक कार्बन, एक नाइट्रोजन, एक कार्बन बना देते हैं और अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। क्लियर है, किसी को दिक्कत बोलो, कार्बन 3 नाइट्रोजन 3 सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दे, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दे, और प्रत्येक कार्बन पर NH2 रहता है, NH2 जुड़ा रहता है, NH2 जोड़ देते हैं। किसी बच्चा को एतराज बोलो कोई दिक्कत, यहां देखो NH2 को मैंने जोड़ दिया और ये रिएक्शन करता है फॉर्मल डिहाइड से। तो देखो एक इंटरमीडिएट का निर्माण होता है, देखो यह जाकर जुड़ जाएगा यहां, अब देखो क्या बन रहा है, यहां N C N C N
अब यहां देखो, यहां हमारा बन गया वही NH है, यहां देखो तो वही हमारा क्या है, NH है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड दे देंगे, किसी को अतराज। और यहां देखो, यहां बन जाता है NH, यह NH, या देखो CH2, CH2OH, यहां NH2 बने है तो NH, आ देखो यहां CH2 और HO, तो यहां देखो NH2 CH2OH बन जाता है, इसी को कहते हैं इंटरमीडिएट, INTER, इंटरमीडिएट बन जाता है, यही इसका मोनोमर्स है, MONOMER, यही इसका मोनोमर है, याद रखना यही इसका मोनोमर है। अब इसी के बहुत सारे अणु क्या होंगे, पॉलीमेराइज होंगे। देखो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, पॉलीमेराइज करेंगे, पॉलीमेराइजेशन की क्रिया होगी। देखो पॉलीमेराइजेशन की क्रिया होती है तो क्या होती है, यह OH निकल के भाग जाता है, यह H निकल के भाग जाता है, यहां से H निकलता है, मतलब NH2O विलुप्त होता है, हो जाता है, H2O निकलते हैं, क्या निकल जाएंगे बेटा, NH2O विलोपित हो जाएंगे। यदि हम इसके N अणु ले लें तो क्या ले लें, इसके N अणु ले लें तो NH2O विलोपित होता है। मोस्टली किताब इसको दिखाते नहीं है NH2O को। अब देखो यहां से OHH2 एक टाइम, यहां से OHH2 एक टाइम, ऐसे ही निकलते रहते हैं, जल के अणु विलोपित होते रहते हैं। अब देखो क्या बन रहा है, यहां बेटा देखो तो क्या बन गया, यहां देखते चलो क्या बना, यहाँ N है, यहाँ C है, यहाँ N है, यहाँ C है, यहाँ N है, यहाँ C है, यहाँ N है। अब यहाँ देखो तो क्या बचा, NH बचा और यहाँ CH2 बचा। अब देखो यहाँ क्या बचा, NH बचा, इसकी वैलेंसी खाली, यहाँ क्या बचा, NH बचा, इसकी वैलेंसी खाली, इसकी वैलेंसी खाली हो गया, देख रहे हो। अब देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, किसी को एतराज है, इसका हम लिख देते हैं होल होल एन, होल एन, इसी को हम लोग कहते हैं मेलामाइन, मेलामाइन, नोट करो इसे, मेलामाइन के स्ट्रक्चर कई बार पूछा जा चुका है कंपटीशन में, ठीक है। जब मेलामाइन या फॉर्मल डिहाइड से अभिक्रिया करता है तो एक इंटरमीडिएट, रेजिन इंटरमीडिएट बनाता है, ठीक है, यही इसका मोनोमर्स है। और क्या होता है, इससे जल के अणु विलोपित होते हैं, पॉलीमराइजेशन की क्रिया कराई जाती है, तो हमारा यह मेलामाइन नामक बहुलक बनता है। इसका नाम मेलामाइन इसलिए रखा गया क्योंकि यह मेलामाइन नामक कंपाउंड से मिलकर बना होता है, क्लियर है। तो यह मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक होता है, इस कंपाउंड को भी कहते हैं क्या, मेलामाइन, मेलामाइन। ये हम लकीर खींचती हैं कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ई वाला पार्ट अलग है, ई वाला पार्ट अलग है, देख रहे हो, तो इसको नोट करो फटाफट। इन महत्वपूर्ण नोट्स को आप याद रखिएगा। देखिए ऊल से आप लोग सब लोग परिचित हैं कि ऊल एक प्राकृतिक बहुलक होता है जिसे भेड़ बकरियों जंगली जानवरों से हम लोग प्राप्त करते हैं, याद रखिएगा। दूसरी चीज, सिल्क का भी आप नाम सुनेंगे, सिल्क की साड़ी बड़ा फेमस है कि वो सिल्क की साड़ी हमारी मम्मी पहनी है, ठीक है। देखिए सिल्क भी एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक है, इसे सिल्क वर्म, जिसको हम लोग रेशम का कीड़ा कहते हैं, रेशम के कीड़ों का ककून होता है जिसमें, ठीक है, इसी ककून से प्राप्त करते हैं हम लोग रेशम। तो याद रखिएगा रेशम भी एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक है जिसको हम लोग रेशम के कीड़ों के ककून से हम लोग इसको प्राप्त कर लेते हैं, याद रखिएगा। दूसरा टर्म आता है रियान, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर पूछा कि रियान है, तो रियान एक प्रकार का कृत्रिम सिल्क है। और इसको बनाते हैं हम लोग कैसे इस कृत्रिम सिल्क को, तो इसको सेलुलोज से बनाते हैं, और सेलुलोज जानते हैं क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज तथा इसके डेरिवेटिव से इसको हम लोग प्राप्त कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन कराकर। और याद रखिएगा कि यह बायोडिग्रेडेबल होता है, यह जल जल को एब्जॉर्ब करेगा और यह सड़ गल जाता है, यह प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है, जल को प्रदूषित नहीं करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम सुनेंगे थर्मोकोल का, देखिएगा आजकल लगन का सीजन चल रहा है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, राहुल संग रागनी, सीमा संग दे देगा मोहन, ठीक है, सलमान संग दे देगा फलाना, शादी में देखते होंगे ना लिखा रहता है, इससे डिजाइन बनाते हैं हैप्पी टीचर्स डे। आजकल इसका प्रयोग धड़ल्ले से मेसन के काम सिविल इंजीनियरिंग में हो रहा है डिजाइन बनाने के लिए, थर्मोकॉल। तो एक थर्मोकॉल आप देखे होंगे, बहुत ही प्रचलित चीज है, यह पेंटेन के वास के साथ पॉली एस्टाइरिन का झाग होता है, मतलब ये पॉली एस्टाइरिन के झाग
के साथ पेंटेन के वाष्प को मिलाते हैं तो यह थर्मोकोल बन जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक लेक्सन याद रखिएगा, यह पॉलीकार्बोनेट है। कई बार पूछा गया कि लेक्सन क्या है, यह पॉलीकार्बोनेट है। यह बीस फिनोले एक कंपाउंड होता है, बीस फिनोले इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हो। बीस फिनोले का देखो यहां से यह फिनोल ग्रुप है, और यहां देखो यहां हमारा देखो क्या छुपा है, सी छुपा है, सी छुपा है कि नहीं, सी एच छुपा है, सॉरी यहां हमारा सी एच छुपा है। अब देखो तो यहां सी एच है, यहां सी एच थ्री है, यहां सी एच थ्री है, नहीं सी छुपा है, सॉरी यहां सी छुपा है, क्या छुपा है बेटा, सी छुपा है, बीस फिनोल है। और देखो ऐसे इसकी स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, बीस फिनोल ए है, यह बीस फिनोल ए तथा डाइइथाइल कार्बोनेट, या इसी को डाइफिनाइल कार्बोनेट, कोई पुस्तक लिखा होगा डाइफिनाइल कार्बोनेट से भी अभिक्रिया करा दी जाए, या सबसे फेमस ऑप्शन देता है फॉस्जीन। इसका नाम सुने हो कि क्लोरोफॉर्म जब वायु के वायु से हवा से सनलाइट के उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है तो फॉस्जीन बनाता है। फॉस्जीन और बिसफिनॉल ए जब आपस में मिलते हैं, यही बिसफिनॉल ए है याद रखिएगा, तो बिसफिनॉल ए का स्ट्रक्चर हमने बना दिया है। जब रिएक्शन करता है तो लेक्सन नामक पॉलीकार्बोनेट का निर्माण होता है। इसका प्रयोग याद रखिएगा बुलेट प्रूफ विंडो बनाने में करते हैं, बुलेट प्रूफ खिड़की, इसका प्रयोग सुरक्षात्मक हेलमेट बनाने में किया जाता है याद रखिएगा। तो बुलेट प्रूफ विंडो बनाने में किस पॉलीमर का प्रयोग करते हैं, लेक्सन का। यह बना कैसे होता है, बीस फिनोल ए और फॉस्जीन का यह बहुलक होता है, या बीस फिनोल ए डाइथाइल कार्बोनेट या डाइफिनाइल कार्बोनेट भी ऑप्शन दे तो सही होगा, लेकिन मोस्टली ऑप्शन फॉस्जीन देता है। एक नोमेक्स याद रखिएगा, यह एक पॉली एमाइड होता है, इसमें एमाइड लिंकेज पाया जाता है। यह आइसोथैलिक एसिड तथा मेटा डाई एमिनो बेंजीन, मेटा डाई एमिनो बेंजीन का बहुलक होता है, इसमें अग्नि रोधी गुण पाई जाती, आग में जलता नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग फायर फाइटर, ठीक है, रेस ड्राइवर के सुरक्षात्मक बेस, जो आप रेस देखते होंगे टीवी में, जो बहुत तेज 200-300 के स्पीड में कार चलाते हैं, गिरने के बाद रगड़ाने पर भी उनके शरीर में आग न लगे, तो उनके ड्रेस बनाने में, अंतरिक्ष यात्रियों के ड्रेस बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इतने बात आप याद रखिएगा, कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रबर को कवर करेंगे, सिंथेटिक रबर कितने होते हैं, सिंथेटिक रबर को कैसे बनाया जाता है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या है, और पीडीआई क्या है, एक छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर करके पॉलीमर को अंत करेंगे। इसे नोट करें, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं, इन प्रश्नों का उत्तर देना है कि केवलर पॉलीमर होता है, चार दिया हुआ है ऑप्शन, या आयु पैक नेम हम दे दिए हैं, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या वो प्लस 1,4 डाई एमिनो बेंजीन, इसी को हम लोग टर्थैलिक एसिड कहते हैं, ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा। फॉस्जीन और बिसफिनॉल ए से अभिक्रिया करके देता है चार पॉलीमर का नाम दिया है, लेक्सन, नोमेक्स, केवलर, सारम, इसमें से चुनना है। निम्न में से कौन पॉलीएमाइड है, किसमें पॉलीएमाइड लिंकेज होता है, नाइलन 6 दिए हैं, नाइलन 6-10 दिए हैं, ए और बी बोथ दिए हैं, डी नंबर में टेरिलीन दिए हैं। नाइलन 6 जिसको हम परलोन कहते हैं, इसका मोनोमर्स है एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, कैप्रोइक एसिड से इक एसिड को हटाकर हम लोग ओ लैक्टम को जोड़े हैं, ओ लैक्टम को, तो कैप्रोलैक्टम बन गया है, वैलेरोलैक्टम है, हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन प्लस सिट्रिक एसिड है, कोई नहीं है, ठीक है, इसे नोट करें। 2-3 और प्रश्न बता रहे हैं, इन प्रश्नों का भी आप उत्तर देंगे कि बैकेलाइट में रिंग जो होता है, बल है, एक दूसरे से जुड़ा होता है, CH2 से, O से, CH2OH से, या फिर C डबल बॉन्डो से। बुलेट प्रूफ विंडो अभी पढ़ाए हैं आपको, या कांच में प्रयुक्त बहुलक होता है, ठीक है, याद रखिएगा केवलर से हम लोग बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाते हैं, और लेक्सन से ही हम लोग बनाते हैं, याद रखिएगा, बुलेट प्रूफ विंडो, ये पॉलीकार्बोनेट होता है, ठीक है। परलोन को कहा जाता है, बैकेलाइट के निर्माण होता है जब फिनोल अभिक्रिया करता है, इनमें किस केमिकल से अभिक्रिया करता है तो बनाता है, और पॉलीमर के साथ उसके मोनोमर्स का नाम आपको याद रखना है, नोट करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके लास्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, सिंथेटिक रबर। धन्यवाद।